प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ निकाले गए पत्र बम के चलते अब उनके गृह क्षेत्र कसौली भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने सख्त आपत्ति जताई है। जोगिंद्रा बैंक के उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने मांग करते हुए कहा कि जिसने भी ये पत्र बम निकाला है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समूचे प्रदेश में सबसे साफ छवि के विधायकों में से एक डॉक्टर राजीव सैजल भी हैं। राजीव सैजल पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है जिसकी छवि बेदाग है। उन्होंने कहा कि राजीव सैजल पर जिस भी कायर व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसका चेहरा जल्द प्रदेश की जनता के समक्ष होना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कसौली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव सैजल जी व प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर आजकल कुछ लोगों द्वारा पत्र बम के रूप में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं व कुछ संगीन आरोप जो है कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं जिसमें कहीं तक भी कोई सच्चाई नहीं है। डॉक्टर राजीव सैजल जी एक लोकप्रिय विधायक और लगातार तीसरी बारी जो जीत के कसौली से चुन के आए हैं, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ लोग इस तरह के षड्यंत्र उनके खिलाफ रच रहे हैं। पहले भी रचते हैं, अब भी रच रहे हैं। ऐसे दुष्ट लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर राजीव सैजल जी एक बहुत ही नेक, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सुलझे व्यक्ति है। इस वक्त पूरा कसौली मंडल, भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी कसौली डॉक्टर राजीव सैजल के साथ है। राजीव सैजल को कसौली निर्वाचन क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है, बुजुर्ग जानता है, सब जानते हैं। कोई इस तरह का यकीन जो है नहीं कर सकता। उन दुष्टों ने क्या सोच के, क्या समझ के उनके ऊपर इस तरह का पत्र बम जो निकाला है उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राजीव सैजल के खिलाफ इस तरह की का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी सिर्फ स्पष्ट किया है कि इसकी छानबीन होगी, गहराई तक जाएंगे, कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ के निकाला जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। डॉक्टर राजीव सैजल जी को के अंदर जो है सब उनको जानते हैं। एक संत आदमी है, एक ईमानदार व्यक्ति है, सहनशीलता वाला व्यक्ति है। तो इस तरह, इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। हो सकता है कोई कसौली से टिकट की चाहत रखता होगा कि इस तरह का लेटर डाल के, इस तरह का पत्र बम डाल के उनको बदनाम किया जाए, उनकी टिकट जो है कटवाई जाए। कुछ लोग चाहते होंगे, वो ऐसा कभी नहीं होगा। सोली निर्वाचन क्षेत्र में डॉक्टर राजीव सैजल जी एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने लगातार तीन बार जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ की सीट डाली। बी जयराम ठाकुर जी से, प्रदेश सरकार से ये मांग करेंगे, कसौली मंडल भी ये मांग करेगा कि जो भी दुष्ट है, जिस दुष्टों ने इस तरह का कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर राजीव सैजल की जी की तरह विधायक नहीं होगा।